केरला की जिला कोल्लम की गोद में बसा है ब्लॉक ओचिरा का कुलशेखरपुरम गांव। जैसे इन उड़ते हुए पंछियों की कतार को देखिए, इन्हें कोई हड़बड़ी नहीं है। उसी तरह कुलशेखरपुरम ग्राम पंचायत को भी पता है कि उनका हर कदम सही दिशा में उठ रहा है। ग्राम पंचायत और यहाँ के लोग जानते हैं कि उन्हें कैसे अपनी मुश्किलों को हल करना है। लोगों के साथ मिलकर यहाँ का फ्रंट ऑफिस अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। ग्राम पंचायत ने फ्रंट ऑफिस के जरिए गांव के हर काम को सहज और सरल बनाने की कोशिश की है। पहले एप्लीकेशन लिखकर दिया जाता था, सब काम मैन्युअली करना पड़ता था, पर जब से पंचायत में डिजिटल तरीके से काम शुरू हुआ, लोगों को कंप्यूटर के जरिए सही समय और सही तारीख के साथ रसीद दी जाने लगी है। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पंचायत ने पिछले साल से टोकन सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले भी शुरू किया है। अब हम पहले के मुकाबले बहुत जल्द लोगों को सर्विस दे पाते हैं। कुलशेखरपुरम ग्राम पंचायत के नेतृत्व में चल रहे फ्रंट ऑफिस में अब जन्म, मृत्यु और विवाह आदि का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाता है। इसके जरिए अब लोग अपने लिए जरूरी सेवाओं का लाभ जल्दी पा सकते हैं। जो एप्लीकेशंस फ्रंट ऑफिस में दी जाती हैं, उससे फ्रंट ऑफिस के लिए भी सर्टिफिकेट बनाकर देने में सुविधा होती है। ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं का विवरण यहां पर सूचीबद्ध किया गया है। गांव वालों को किसी भी प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेजों का विवरण यहां पर मिल जाता है। पहले के मुकाबले अब काम होने में कम समय लगता है, अब लोगों को कम इंतजार करना पड़ता है। पहले एप्लीकेशन के बाद सर्टिफिकेट बनाकर देने में एक महीने के करीब वक्त लगता था, अब एक सप्ताह के भीतर ही बनाकर देने में सक्षम है। इसमें फ्रंट ऑफिस को बड़ी सफलता मिली है। अपने आपसी मसलों और टकराव पर भी फ्रंट ऑफिस की राय हर ग्रामीण गंभीरता से लेता है और उस पर अमल करता है। फ्रंट ऑफिस हर तरह से यहाँ के लोगों की जिंदगियों का हिस्सा है। कुलशेखरपुरम ग्राम पंचायत के फ्रंट ऑफिस के जरिए हम शिकायत दर्ज करते हैं। फ्रंट ऑफिस से शिकायत का निपटारा निश्चित समय सीमा में पंचायत द्वारा शुरू किए नए प्रोग्राम अदालत के तहत करता है। अदालत प्रोग्राम हमारी ग्राम पंचायत कुलशेखरपुरम ने ही शुरू किया था और मेरी शिकायत का निपटारा भी यही हुआ। हमने शिकायत की एक अर्जी फ्रंट ऑफिस में दे दी और एक हफ्ते के भीतर ही काम हो गया। हम अपनी शिकायत की अर्जी देते हैं और उस पर निर्णय होता है। मुझे ये एक बड़ी बात लगती है। मैंने जो एप्लीकेशन एक हफ्ते पहले दी थी, उस पर एक हफ्ते में ही फैसला आ गया। कुलशेखरपुरम ग्राम पंचायत ने अपना लीगल एड क्लिनिक फरवरी 2012 में शुरू किया था। फरवरी 2012 से हमें जो कंप्लेंट्स मिल रही हैं, फ्रंट ऑफिस के जरिए ही वो हम तक पहुँच रही है। अधिकतर शिकायतें पेड़ों से जुड़ी समस्याओं के बारे में हैं, जैसे पेड़ घरों पर गिर जाते हैं जिससे बहुत से घरों को नुकसान पहुंचता है। इससे अतिरिक्त पारिवारिक मामले भी हमारे पास आते हैं। जो अर्जी इस हफ्ते दी गई थी, आज उसका निपटारा हो गया। ये गली की एक समस्या थी जो वकील की मदद से सुलझा ली गई। अगर यही मामला लेकर मैं कोर्ट में जाता तो इसमें कम से कम 5 साल का वक्त लग जाता। अब बहुत तेज गति से काम हो रहा है। अब लोगों को अपनी समस्याओं का कानूनी हल जल्दी मिल पाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अब तेजी आई है, जिस कारण अब यहाँ आसानी से समस्याओं के कानूनी हल निकालने के हालात पैदा हुए हैं। गांव वाले पंचायत को लेकर अपने नागरिक अधिकारों के बारे में अब सीधे फ्रंट ऑफिस से जान सकते हैं। रसीद पाने, एप्लीकेशन देने या सर्टिफिकेट लेने के लिए एक वक्त पर भटकना पड़ता था, मगर अब ऐसा नहीं है। कुलशेखरपुरम ग्राम पंचायत को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। पंचायत के पास पैसे की भी बढ़ोतरी हुई है और इसका कारण है काम को अच्छे और बेहतरीन ढंग से अंजाम देना। फाइल की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी, पहले कोई नहीं जानता था। फाइल गुम हो जाती थी और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था, मगर अब ऐसा नहीं है।
कर्मचारियों पर किसी न किसी की सिफारिश का प्रेशर रहता था। जान पहचान वाले पहले काम करवा लेते थे। अब काम में पारदर्शिता आई है, कर्मचारी भी मुक्त एवं बिना किसी दबाव के काम कर रहे हैं। पंचायत के पास ISO 9001:2008 पंजीकरण भी है। जैसा कि हम जानते हैं, यह नंबर उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने एवं उनकी संतुष्टि के स्तर को ध्यान में रख कर दिया जाता है। बिल्डिंग टैक्स, लाइसेंस फीस और भी पैसा हम हर साल जमा करते हैं। इस पैसे को गांव और ग्रामीणों की जरूरतों के हिसाब से खर्च किया जाता है। ग्राम पंचायत जो भी टैक्स लेती है उसे फ्रंट ऑफिस द्वारा लिया जाता है। लिए गए टैक्स की रसीद भी दी जाती है। पंचायत के लिए जरूरी आर्थिक स्रोत भी यहाँ से उपलब्ध होता है। कुलसेकर ग्राम में हम जो फ्रंट ऑफिस सिस्टम चला रहे हैं वो मेरी नज़र में एक बेहतरीन और असरदार तरीका है। हमारे काम करने का तरीका बहुत ही सरल है। जो पहले आएगा उसका काम पहले किया जाएगा। क्या कभी सोचा जा सकता है कि ग्राम कुलशेखरपुरम के निवासी इस तरह के सिस्टम से कोसों दूर थे? लोगों और कर्मचारियों में नोकझोंक रोज रोज की बात थी। फ्रंट ऑफिस में लोग इस तरह से इंतजार नहीं करते थे क्योंकि उन्हें काम के हो जाने पर भरोसा नहीं था। अब फ्रंट ऑफिस ने लोगों के विश्वास को जीता है और वो लगातार कायम है। लोग अपने आपसी मतभेद और विवाद भी अब यहाँ आकर सुलझाते हैं क्योंकि उन्हें फ्रंट ऑफिस पर भरोसा है। अब यहाँ बहुत सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। बैठने का इंतजाम, पीने का पानी, बिजली, विवादों का भी जल्दी समाधान हो जाता है। ग्राम पंचायत का फ्रंट ऑफिस लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। यहाँ का कोई भी कर्मचारी परमानेंट कर्मचारी नहीं है। क्लर्क से लेकर सीनियर क्लर्क स्टाफ तक सबको एक रूटीन के तहत चुना जाता है। यहाँ तक कि फ्रंट ऑफिस के मुख्य अधिकारी का सहायक भी इसी रूटीन के तहत चुना जाता है। ये सब ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। पैसों से संबंधित लेन देन 3 बजे तक किया जा सकता है। हालांकि फ्रंट ऑफिस का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है। फ्रंट ऑफिस का पूरी तरह से कंप्यूटरीकरण किया गया है। ऑफिस हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से जुड़ा हुआ है। छोटे से गांव में फ्रंट ऑफिस जैसी छोटी सी पहल करके ग्राम पंचायत कुलशेखरपुरम ने यहाँ के लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है।